वेलकम बैक टू द चैनल सपोर्टर्स, वेलकम टू केरी सुतारिया चैनल। लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव टुडे। सो हे सपोर्टर्स, अमेजोन से एक पार्सल 2-3 दिन पहले आया हुआ था, जो कि मैंने मंगवाया था एक वार्निश, जो कि मेरी पेंटिंग ऐसे सब बनाती हूँ मैं आर्टवर्क, तो वो सब पे पानी ना फिर जाए, पानी गिर के या फिर ऐसा कुछ होके बिगड़ ना जाए वो आर्टवर्क, इस वजह से वार्निश मंगवाया था। तो चलिए इस वार्निश की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बाद मैं रिव्यू भी दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट ओपन इट। कटर से हम कट कर लेते हैं। एक मिनट यहाँ पर। सो ये रहा हमारा वार्निश, छोटी सी ही बॉटल है लेकिन इसका प्राइस आप देख सकते हैं 250 है इसका प्राइस, 250 रुपये। ये देखिए इस तरह से इसका ढक्कन खुलता है और मैं एक मेरे आर्ट पीस पर ट्राई करके देखूंगी। डेकोर वार्निश को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट हम यही लेंगे और ये मेरे ब्रशेस कलेक्शन में से ले लेंगे ये सबसे फ्लैट वाला जो ब्रश है वो लेंगे, फ्लैट ब्रश, ये जो मैंने स्पेशली वार्निश के लिए ही रखा है। और इसकी कैप ओपन करके हम यहाँ पर थोड़ा ही ऐसे कर देंगे जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। ये तो बहुत ही बड़ी पेंटिंग है मेरी, तो हर जगह पर करना पड़ेगा। और हाँ, ये लास्ट में मैंने ये ईयर और ईयरिंग ये सब बनाया था और लास्ट में पहले सोचा कि यहाँ पर ग्रीन ही करूँगी ग्रास, लेकिन फिर कर दिया ब्लैक क्योंकि मैंने फिर सोचा कि नाइट का सीनेरियो बनाऊँगी, लेकिन ऊपर से डे का बन गया और नीचे से फिर रात का बनाना पड़ा। ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही है तो ये अच्छी बात है, ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही इसकी। तो वो येलो भी कलर दिख रहा था इसमें, तो ज़रा भी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा अप्लाई करना पड़ेगा लगता है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. ते वार्निश लगा दिया है और जैसे कि इस पे लिखा है, ये सब बहुत ही सही बात लिखी है इसमें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ग्रिड सीलिंग प्रोटेक्टिंग के लिए। इस पे अभी पानी गिरेगा तो भी नहीं बिगड़ेगी ये पेंटिंग, एक्रेलिक कलर वैसे का वैसा ही रहेगा और धूल वगैरह भी नहीं चिपकेगी। और ये शाइनिंग वाला है, ग्लॉस फिनिश वाला वार्निश है, ये मैट फिनिश वाला नहीं लिया मैंने, यहाँ पर ग्लॉस फिनिश वाला लिया है पहले से ही। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टवर्क बनाते हैं, तो आपको बड़ी बॉटल लगेगी, तो इससे बड़ी बॉटल आती है वो भी आप ला सकते हैं। मुझे तो आधी लग गई इसमें ही, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये लिटल बर्डी डेकोर वार्निश ग्लॉस फिनिश वाला 100 ml, तो मेरे ख्याल से 200 ml का भी आता होगा, तो वो लाना।
तो यही था इसका रिव्यू, बहुत ही अच्छा है ये। तो आज के लिए इतना ही, सपोर्टर्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know.